हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं टेक्स मैक्रो रेल एंड इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 46.75 पे। इसके पहले भी हमने ये जो कंपनी है इसको हमारे वीडियो में कवर किया था, जहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे बहुत बढ़िया ब्रेकआउट होने वाला है और उसके बाद बहुत अच्छे लेवल्स भी दिखाई दे। अब वहाँ से जो हमारे हायर लेवल थे वहाँ से गिरते हुए ये जो स्टॉक है इसने लेटेस्ट क्लोजिंग दी है 46.75 पे। इससे जुड़ी हुई न्यूज़ के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ से आगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उन्होंने यहाँ पे क्या करना चाहिए, उन सारी बातों के बारे में हम टेक्निकल चार्ट एनालिसिस में सपोर्ट और टारगेट भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल इसका 1480 करोड़ का, पीई रेशियो अगर हम देखें बहुत ज्यादा है, जो है 104.64, जबकि इसका सेक्टर पीई जो है 52.30 पे है। अभी कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो देखिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स में अगर हम देखते हैं तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे घटकर हो गया है 1713 करोड़, और उसी के साथ अगर हम इबिटा देखते हैं तो यहाँ पे पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें, जो कि इबिटा 30.69 करोड़ था, वो अभी बढ़कर हो गया है 143.75 करोड़ का। और नेट इनकम जो कि पिछली बार नेगेटिव था, जो कि लॉस मेकिंग कंपनी थी, और ये अभी यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होते हुए 14.15 करोड़ का इनका नेट इनकम हो गया। ईपीएस भी बढ़कर हो गया है 0.54। ये तो हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस का, जहाँ पे हमें पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। अब इसी के साथ हम क्वार्टरली बेसिस पे देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, टोटल रेवेन्यू अगर हम देखें तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे इंप्रूव होते हुए 477.54 करोड़ के टोटल रेवेन्यू हो गए हैं। इनका जो इबिटा है ये भी यहाँ पे बढ़कर हो गया 43.77 करोड़ का। यहाँ पे नेट इनकम देखिए, ये घट चुके हैं, जो कि अभी हो गए 0.23 के, और ईपीएस जो है वो भी घटकर हो गया 0.06। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, यहाँ पे 20 मई को कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं, तो उसके ऊपर भी हमारी नजर रहने वाली है। अब यहाँ पे देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, 58.35% प्रमोटर की हिस्सेदारी है, प्रमोटर का प्लेज है जो कि बहुत कम है 0.23% का, म्यूचुअल फंड 8.13%, डीआईआई 0.05%, एफआईआई 1.82% और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 31.65% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं न्यूज के बारे में। देखिए, तो 11 मई की ये न्यूज है, जहाँ पे इन्होंने बताया कि टेक्स मैक्रो रेल इन्होंने अभी बैक किया है लार्ज ऑर्डर। अब लार्ज ऑर्डर के बारे में भी डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इनको जो ऑर्डर मिला है इसकी वर्थ है 6450 करोड़ की। हमने ऑलरेडी देखा है कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो बहुत कम है, 1480 करोड़, और अगर हम यहाँ पे इनको जो ऑर्डर मिला है उसके वर्थ की बारे में बात करें तो वो है 6450 करोड़ का, मतलब मार्केट कैपिटल से भी 4 times ज्यादा इनको यहाँ पे बहुत बढ़िया ऑर्डर मिला है। अब देखिए, ये जो ऑर्डर मिला है, अब अगर हम यहाँ पे आगे के बारे में सोचे तो ये सिर्फ अभी ऑर्डर मिला है, तो इसके हिसाब से जो इनका रेवेन्यू जनरेट होगा वो हो जाएगा डबल। अब देखिए, यहाँ पे इंडियन रेलवेज ने जो इनको ऑर्डर दिया है, यहाँ पे 20,067 वैगन्स का ये ऑर्डर है, और इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो इन्होंने बताया 39 months का, और उसी के साथ Q4 रिजल्ट भी जो इनके है 20 मई को यहाँ पे डिक्लेयर होने वाले हैं। तो देखिए, 20 मई को हमें पता चलेगा कि कंपनी ने इस बार कैसे परफॉर्म किया, और जिस तरीके से इनको इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तो आने वाले सालों में यहाँ पे बहुत बढ़िया रेवेन्यू जो है जनरेट होते हुए नजर आ सकता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कंपनी के डेली चार्ट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे टैक्सरेल का मैंने डेली चार्ट ओपन किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी इसका इसने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया, और उसके ऊपर यहाँ पे 58 के जो लेवल है वो भी हासिल किए, और वहां से भारी गिरावट के साथ ये जो स्टॉक है गिरते हुए इसने 41.45 के लेवल्स का सपोर्ट बनाया। तो देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जहां से इसने यहाँ पे एक अपमूव दिया था, और ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये अभी भी हमारे लिए इंटैक्ट है। मतलब ये स्टॉक जैसे फिसला उसके बाद देखिए, यहाँ पे आज के दिन में अगर आप देखते हैं तो इसने जो हाई बनाए थे वो एग्जैक्टली हमारी जो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसके आसपास ही बनाए, मतलब 50 के आसपास उसने हाई बनाए, लेकिन उसके बाद गिरावट के साथ इसकी जो क्लोजिंग है 46.65 पे होगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट में यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, यहाँ पे रेपो रेट बढ़ चुका है, और उसी के साथ यहाँ पे ग्लोबल इंडाइसेस और इंडियन इंडाइसेस में भी बहुत ज्यादा यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है आपको नीचे के लेवल में ही दिखाई देंगे। तो देखिए, उसका असर यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है। टेक्स रेल में अगर आप देखते हैं 46 के आसपास इसने अभी क्लोजिंग दी। अब यहाँ से आगे क्या, तो देखिए न्यूज बहुत बढ़िया है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का यहाँ पे नजरिया है, आपने तो इस स्टॉक में यहाँ पे बने रहना चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ इनको ऑर्डर मिला है, और ऑर्डर मिलने से पहले ये जो स्टॉक है इसने यहाँ पे बहुत अच्छी रैली भी दिखाई, और उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट भी किया, और यहाँ से एक बहुत अच्छा पुल बैक भी दिखाया है। तो जब तक हमारा यहाँ पे
41.45 का जो सपोर्ट है ये जब तक इंटैक्ट है स्टॉक में बने रहना चाहिए। ये तो हो गया अभी शॉर्ट टर्म के लिए। अब अगर हम यहाँ पे टारगेट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे लिए जो एक रेजिस्टेंस था अब ये हमारे लिए फिर से एक रेजिस्टेंस बन चुका है। तो जैसे ये स्टॉक जो है 50 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करने लगेगा तो उसके बाद हम यहाँ पे 54 से लेके 58 के टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर यहाँ पे ओवरऑल मार्केट में गिरावट दिखाई देती है तो ये स्टॉक जो है यहाँ पे ऑसिलेट करते हुए एक तो कंसोलिडेशन हो सकता है या फिर हमारा जो 41.45 के जो लेवल है इसके आसपास यहाँ पे आपको ट्रेड करते हुए नजर आ सकता है। अब देखें यहाँ पे हम बात करते हैं वीकली चार्ट के बारे में। तो देखिए वीकली चार्ट में यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बना के रखी है जिसके लेवल यहाँ पे 70 है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो स्टॉक है इसने यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया और ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से फिर से गिरावट के साथ ये जो स्टॉक है इसने यहाँ पे जो बॉटम बनाया था 12 रुपीज का और उसके बाद ये जो स्टॉक है इसने यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन बनाया। और अगर आप देखते हैं ये जो स्टॉक है अप ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पे जो लोज बन रहे हैं ये हायर लोज बनते हुए स्टॉक जो है अपनी अप ट्रेंड रैली यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है और यहाँ पे जो हाईज बन रहे हैं वो हायर हाईज बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं अगर ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जो है ये बनते हुए ये जो स्टॉक है मिड से लेके लॉन्ग टर्म में आपको 70 के लेवल्स भी यहाँ पे दिखा सकता है। इंडिकेटर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे जो हमारा 200 मूविंग एवरेज है ये नीचे की तरफ जा रहा है और 20 मूविंग एवरेज ने इसको क्रॉस कर दिया, यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हो गया है जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो अगर आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। और यहाँ पे अब हमारा यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से फर्स्ट जो टारगेट है वो रहेगा यहाँ पे 70 का। अगर ये स्टॉक यहाँ पे 70 सस्टेन करता है और उसका ब्रेकआउट देता है तो वो यहाँ पे बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हो जाएगा जिसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा यहाँ पे 80 रुपीज का। और 80 रुपीज के बाद हम यहाँ पे फिर से रिव्यू करेंगे, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस आता है तो हमें फिर से यहाँ पे एक रीटेस्ट दिखाई दे सकता है और अगर यहाँ पे ये सस्टेन करता है तो उसके बाद हम जो अपवर्ड जर्नी है उसके बारे में यानी कि 90 टारगेट के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे जिस तरीके की भारी गिरावट हमारे ओवरऑल मार्केट में, फिर भी ये जो स्टॉक है इसमें इतनी ज्यादा गिरावट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये जो स्टॉक है स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने पोर्टफोलियो में ये स्टॉक रखा है तो इसमें बने रहिएगा। सपोर्ट जो हमने बताया हमारा डेली पे 41 का ये हमारा सपोर्ट रहेगा और उसके साथ आप लॉन्ग टर्म व्यू के साथ यहाँ पे बने रह सकते हैं। तो ये तो था हमारा रिसर्च और एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।